तो वर्ब का हिंदी रूप होता है क्रिया। वर्ब को हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वर्ब। और वर्ब को हिंदी में हम क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है ना। तो देखिए आपको क्या करना है, निम्न क्रियाओं के दूसरे व तीसरे रूप बताते समय आपको सिर्फ क्या लगाना है? ईडी। हम जितनी भी वर्ब आज के लेक्चर आज के टॉपिक में कंप्लीट करेंगे उन सभी वर्ब में आपको क्या लगाना है? सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते समय ईडी लगाना है। क्या लगाना है? सिर्फ ईडी। तो देखिए यहाँ पर पहली जो वर्ब हमारी एड, तो एड मीन्स क्या होता है? मिलाना। क्या होता है एड मीन्स? मिलाना। एड मिस होता है मिलाना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सेकेंड फॉर्म है इसका और थर्ड फॉर्म। तो एड में क्या करेंगे आप? सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में क्या करना है? ईडी लगाना। तो ये हो जाएगा आपका एडेड। और थर्ड फॉर्म में भी क्या हो जाएगा? इसमें ईडी लगा देंगे तो आप क्या बन गया? एडेड। देखिए दोनों फॉर्म में आपने क्या करा है? सिर्फ आपको ईडी लगाना है। क्या लगाना है? ईडी लगाना है। सेकेंड देखिए आपका एंसर क्या है? एंसर। और एंसर मिस होता है उत्तर देना। क्या होता है? एंसर मिस उत्तर देना। तो यहां पर हो जाएगा एंसर्ड, इसमें भी ईडी लग जाएगा। और थर्ड फॉर्म में भी आपका क्या लग जाएगा? ईडी लग जाएगा। तो क्या हो गया ये? एंसर्ड। क्या पढ़ते हैं इसको? एंसर। क्या होता है? एंसर मीन्स होता है आपको उत्तर देना। नेक्स्ट है आपका एपीआर, इसको हम पढ़ते हैं एपीआर। और एपीआर मीन्स होता है सामने आना। क्या होता है? सामने आना या दिखाई पढ़ना। एपीआर मिस होता है सामने आना या दिखाई पढ़ना। तो एपीआर इसमें भी ईडी लगा दीजिए, बहुत सिंपल है, एपीआर हो जाएगा। ये देखिए आपका ईडी। और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी इसकी? एपीआर। क्या हो जाएगा? एपीआर। फोर्थ देखिए आपका अरेस्ट, देखा होगा आपने। अरेस्ट मिस क्या होता है? गिरफ्तार करना। क्या होता है? गिरफ्तार करना। जो पुलिस चोर को गिरफ्तार करके ले जाती है हथकड़ी लगाकर, है ना, उसको बोलते हैं अरेस्ट। तो अरेस्ट मिस होता है गिरफ्तार, गिरफ्तार करना। तो यहाँ पर इसमें भी क्या लग जाएगा? अरेस्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? अरेस्टेड। तो अरेस्टेड थर्ड फॉर्म में भी अरेस्टेड होगा, तो आप इसी को यहाँ पे लिख लीजिए, कॉपी पेस्ट करना, आपको अरेस्टेड हो जाएगा। अब देखिए फिफ्थ नंबर पांचवी वर्ब आपके आस्क। आस्क मीन्स होता है पूछना। हम किसी से भी बेसिकली क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? आस्क का। तो आस्क मीन्स होता है पूछना, ये हो गया आस्क। और इसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी आस्क्ड, है ना। बहल का सा आपको थोड़ा यहाँ पर वोकल कंड में ध्यान देना, आस्क्ड, है ना। या कि कुछ बच्चे आस्केट पढ़ते हैं पर वो सही उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं है, आस्क्ड, है ना। चलिए अगला है अटैक। अटैक किसी पर हमला करना। देखा हो गांव में लड़े झगड़ा होता तो उठाए लट ना दिया खोपड़ी में, तो वो होता है हमला करना, ठीक है ना। तो अटैक हमला करना, या चोर जो पुलिस है चोर पर हमला कर देती है, तो अटैक होता है हमला करना। क्या होता है? हमला करना। तो यहां पर हो जाएगा अटैक, अटैक्ड। चलिए अगला अटैच। अटैच मीन्स होता है जोड़ना। क्या होता है? अटैच मीन्स जोड़ना। हाँ, तो यहां पर हो जाएगा अटैच का जोड़ना। तो ये हो गया अटैच, यहां पर हो जाएगा अटैच्ड, अटैच्ड। तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म को भी आपको यहाँ पर थर्ड फॉर्म में भी लिखना है, मतलब सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इस वर्ब हमारी अट्रैक्ट क्या है? अट्रैक्ट, अट्रैक्ट में तो होता है आकर्षित करना, आकर्षित, आकर्षित करना। भाई किसी को अपनी बातों से, है ना, या किसी भी कारण इंप्रेशन अपनों को अपनी ओर आकर्षित करना, है ना। तो अट्रैक्ट सेकेंड फॉर्म में ईडी लगा दो, ये हो जाएगा आपका अट्रैक्ट। और थर्ड फॉर्म में भी क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट। नेक्स्ट है आपका बॉइल। बॉइल मीन्स होता है उबालना। क्या होता है? उबालना। पानी को बॉइल करते हैं हम, गर्म करते हैं, उबालते हैं उसको, तो बॉइल मीन्स होता है उबालना। और यहाँ पर हो जाएगा बॉइल्ड, इसमें भी ईडी लगा दीजिए, थर्ड फॉर्म भी बॉइल्ड हो जाएगा। यहाँ पर है बोरो। बोरो मीन्स होता है उधार लेना, उधार लेना। तो यहाँ पर हो जाएगा बोरोड, ईडी लगा दीजिए। चलिए कॉल। कॉल मीन्स बुलाना, कॉल मीन्स बुलाना। तो कॉल का हो जाएगा यहाँ पर कॉल्ड, बोल देना ही कॉल्ड भी।
तो कॉल मिस हो जाएगा, बुलाना। अगला है आपका चेक, तो चेक का होता है यहाँ पर जांचना, चेक मिस जांचना, कॉपी टीचर वगैरह कॉपी चेक करते हैं उसको बोलते हैं जांचना, तो चेक जांचना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा चेक्ड, ये हो गया आपका चेक। और यहाँ पर भी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम रहेगा। क्लेम, क्लेम भी होता है दावा करना, भाई आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप बोल सकते हैं मैं आपके ऊपर क्लेम कर दूंगा, दावा कर दूंगा, तो क्लेम दावा करना। दावा करने का मतलब ये मुकदमा करना, क्या होता है मुकदमा करना, तो यहाँ पर हो जाएगा क्लेम्ड, क्लेम। और थर्ड फॉर्म भी इसका क्लेम्ड रहेगा। चलिए नेक्स्ट वर्ब है आपका क्लीन, क्लीन एकदम क्लीन, क्लीन मीन्स होता है साफ करना, साफ करना, क्लीन साफ करना। और सेकेंड फॉर्म में क्या लग जाएगा ईडी, तो ये हो गया आपका क्लीन। और यहाँ पर थर्ड फॉर्म भी इसका क्लीन, ठीक है। चलिए आइए अगले वर्ब की ओर बढ़ते हैं अपन, क्लाइम, और क्लाइम मीन्स होता है चढ़ना, क्लाइम का मीन्स होता है चढ़ना, पहाड़ पर चढ़ना, सीढ़ियों पर चढ़ना, तो क्लाइम में चढ़ना, वो इसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगा क्लाइम्ड, ईडी लगा दीजिए। थर्ड फॉर्म में भी क्लाइम्ड। नेक्स्ट है आपका कलेक्ट, कलेक्ट बेस होता है जमा करना या इकट्ठा करना, कलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर जमा करना, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कलेक्टेड, है ना, थर्ड फॉर्म में इसकी कलेक्टेड हो जाएगा। यहाँ पर कनेक्ट, कनेक्ट में होता है जोड़ना, है ना, जैसे वाईफाई वगैरह अपन जोड़ते हैं ना मोबाइल से हॉटस्पॉट वगैरह, तो कनेक्ट में होता है जोड़ना, यहाँ पर हो जाएगा आपका कनेक्टेड। सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसका आपका सेम रहेगा। अगला है कानकुर, तो कानकुर में होता है विजय पाना या जीतना, कानकुर में विजय पाना या फिर जीतना, तो कानक्यूर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कानक्यूर्ड, कानक्यूर्ड, ठीक है, वो थर्ड फॉर्म इसका सेम रहेगा। कुक, कुक मीन्स होता है पकाना, कुक का हिंदी मीन्स होता है पकाना, पकाने का मतलब होता है खाना बनाना, पकाना मीन्स खाना बनाना। कुक इसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगा आपका कुक्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या रहेगा कुक्ड रहेगा। अगला देखिए कवर, कवर मीन्स होता है ढकना, कवर मीन्स ढांकना, जैसे कि आपने आपकी बुक्स वगैरह कॉपी वगैरह उस पर कवर चढ़ाते हैं ना, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ढाक लेते हैं, क्या करते हैं ढाक लेते हैं, तो कवर मतलब होता है ढांकना। और यहाँ पर हो जाएगा कवर्ड, और यहाँ पर भी सेम रहेगा। चलिए एंड, तो एंड का होता है खत्म होना या खत्म करना, तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा इसका एंडेड, और थर्ड फॉर्म भी एंडेड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 21 वर्ब हमारा कंप्लीट हो चुका है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट वर्ब है हमारी फेल, और फेल मीन्स होता है असफल होना, असफल होना, फेल का होता है असफल होना, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा फेल्ड, क्या लगाना सिर्फ आपको ईडी, और यहाँ पर भी फेल्ड हो जाएगा। फोल्ड, फोल्ड मीन्स होता है जैसे कि आपके जो चटाई वगैरह है बिस्तर, उसको आप फोल्ड करते हैं, मतलब घड़ी करते हैं, तो फोल्ड हो जाएगा आपका घड़ी करना, घड़ी करना, यहाँ पर होगा आपका फोल्डेड, और थर्ड फॉर्म भी फोल्डेड रहेगा। इन्वेस्ट, इन्वेस्ट मीन्स होता है खर्च करना, इन्वेस्ट मीन्स खर्च करना, किसी भी बिजनेस में व्यापार में पैसे को खर्च करना इन्वेस्ट कहलाता है, तो यहाँ पर इन्वेस्टेड हो जाएगा सेकेंड फॉर्म। या लाभ, इसको हम लाभ पढ़ते हैं, कुछ बच्चे लाभ पढ़ते हैं, तो ये सही उच्चारण इसका है लाभ, हंसना, लाफ मिस होता है हंसना, और लाफ की सेकेंड फॉर्म है लाफ्ड, क्या होगा यहाँ पर लाफ्ड, थर्ड फॉर्म भी आपका यही रहेगा। और लीक, लीक मिस होता है टपकना, अब टपकने का मतलब ये नहीं होता है गिरना के मनुष्य का गिरना, नहीं, लीक का मतलब होता है जैसे आपके घरों में टंकी होगी पानी की, अब पानी की टंकी उसमें हल्की सी दरार रहती है, जैसे पानी रिसता है, क्या होता है रिसता है, इसको रिसना भी बोल सकते हैं, टपकना, तो ये हो जाएगा लीक्ड, जैसे बोलते हैं टैंक लीक हो गया, पानी की टंकी लीक हो गई, तो वही लीक होता है रिसना ही टपकना। चलिए अगला है लुक, तो लुक का होता है देखना, और सेकंड फॉर्म हो जाएगा इसका लुक्ड, और यहाँ पर भी लुक्ड। ओपन,
ओपन विश होता है खोलना, दरवाज़ा खोलना, मैंने कहा ओपन द डोर, दरवाज़ा को खोलिए, ओपन द बुक, पुस्तक को खोलिए, तो ओपन विश होता है खोलना और यहाँ पर हो जाएगा ओपन। ऑर्डर, ऑर्डर विश होता है आदेश देना या आदेश करना, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑर्डर्ड, ईडी लगा दीजिए ऑर्डर्ड। और पेंट, पेंट सभी घर पे करते हैं आप लोग, रंगना है ना, अभी दीपावली आ रही है ठीक है, तो दीवारों को अपन पेंट करेंगे मतलब उसको रंगेंगे, तो पेंट। और सेकेंड फॉर्म हो जाएगा पेंटेड, क्या होगा पेंटेड, और थर्ड फॉर्म भी ये रहेगा। चलिए तो यहाँ पर 30 वर्ब हमारी कंप्लीट हो चुकी है, चलिए आगे और बढ़ते अपन। तो पिक मिस होता है उठाना है ना, वस्तु को उठाना, तो पिक मिस होता है यहाँ पर उठाना, पिक हो जाएगा उठाना। सेकेंड फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसमें ईडी लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका पिक्ड और ये भी पिक्ड। प्ले, प्ले मिस होता है खेलना, प्ले मिस बजाना भी होता है, खेलना भी होता है, तो प्ले हो गया खेलना। और यहाँ पर सेकेंड फॉर्म हो जाएगा प्लेट, इसमें ईडी लगा दीजिए, प्लेट हो जाएगा आपका। चले प्रिंट, प्रिंट मतलब होता है छापना, जैसे कि फोटोकॉपी वगैरह प्रिंट करवाते हैं अपन कोई सा मेल, तो प्रिंट होता है आपका छापना। यहाँ पर हो जाएगा प्रिंटेड। चलिए नेक्स्ट वर्ब है आपकी पुल, और पुल मिस होता है खींचना, खींचना, तो खींचना हो गया। और इसमें सेकेंड फॉर्म में क्या करेंगे आप, ईडी लगा देंगे, पुल्ड हो जाएगा यहाँ पर भी। चलिए पुश, पुश में तो होता है धक्का देना, किसी को धकेलना, तो पुश हो जाएगा धकेलना। और सेकेंड फॉर्म में पुश्ड, ईडी लगा दो। चलिए नेक्स्ट आपका रिच, रिच भी तो होता है पहुँचना, और रिच, रिच के सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा रिच्ड, और यहाँ पर भी इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए रिच्ड। रिपेयर, रिपेयर में होता है मरम्मत, मरम्मत करना, और सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में भी क्या हो जाएगा रिपेयर्ड, ठीक है, यहाँ पर ईडी लगा दीजिए। सर्च, सर्च मतलब खोज करना, क्या होता है खोज करना, तो यहाँ पर हो जाएगा सर्च मीन्स खोजना, सर्च मीन्स हो जाएगा खोजना, और यहाँ पर ईडी लगा दीजिए इसमें सर्च। अब सिलेक्ट, सिलेक्ट मिस होता है चुनना कर, सिलेक्ट मिस चुनना, तो यहाँ पर हो जाएगा सिलेक्टेड। चलिए नेक्स्ट है स्टार्ट, यहाँ पर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, कम दिख रहा होगा, स्टार्ट, स्टार्ट होता है शुरू करना, तो यहाँ पर कोई सा भी हमने कार्य स्टार्ट किया है तो हो जाएगा स्टार्टेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर 40 वर्ब हमारी कंप्लीट है, चलिए आइए और कुछ वर्ब को देख लेते हैं, इसको हम पिक, प्ले, प्रिंट, पुल, पुश, रिच, रिपेयर, सर्च है ना, और सिलेक्ट, और यहाँ पर स्टार्ट है ना। चलिए और 10 वर्ब को कंप्लीट करें, चलिए देखिए अगली वर्ब हमारी टॉक, इसको टॉक भी पढ़ते हैं, टॉक, टॉक भी होता है बात करना, टॉक मीन्स बात करना, ठीक है ना, तो यहाँ पर टॉक हो जाएगा, एडी लगा लीजिए, थर्ड फॉर्म सेम रहेगा। टच, टच मिस होता है जैसे कि हम स्पर्श कर रहे हैं बोर्ड को, स्पर्श करना है छूना, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग स्पर्श करना, टच मिस हो गया स्पर्श करना, तो यहाँ पर हो जाएगा टच, टच्ड। थैंक, थैंक का होता है धन्यवाद देना, धन्यवाद देना या धन्यवाद करना, थैंक, और इसके सेकेंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा थैंक, ईडी लगा दीजिए। ट्रीट, जैसे डॉक्टर वगैरह क्या करते हैं उपचार करते हैं, तो ट्रीट हो जाएगा उपचार करना, ट्रीट मीन्स उपचार करना, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रीटेड, ट्रीट, ट्रीट। टर्न, टर्न मीन्स होता है मुड़ना या मोड़ना, दोनों होता है, मुड़ना भी होता है और एक आपका मोड़ना भी होता है, तो मुड़ना और मोड़ना दोनों आप लोग कर सकते हैं। आगे देखिए टर्न का, टर्न, ईडी लग जाएगा। विजिट, विजिट होता है भेंट करना या किसी से मिलना या फेस टू फेस बात करना, तो उसको भेंट करना होता है, तो विजिटेड, विजिट, विजिटेड, ईडी लग जाएगा।
वेट, वेट होता है प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वेटेड, बोलते ना वेट 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 करो, प्रतीक्षा करो, वही होता है आपका वेट। अगला देखिए वॉक, वॉक मीन्स होता है घूमना या चलना, है ना। दौड़ना अलग चीज होती है, वो रनिंग करना होता है, वॉक का मतलब होता है टहलना या चलना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वॉक, ईडी लग जाएगा, इसमें भी ईडी लगा दीजिए आप। चले वॉश, हैंड वॉश करिए, वॉश मीन्स होता है धोना, वॉश मीन्स धोना, और यहाँ पर हो जाएगा वॉश्ड, और यहाँ पर भी वॉश। अगला वर्क, वर्क मीन्स होता है कार्य करना या काम करना, तो कार्य या काम करना वर्क, यहाँ पर हो जाएगा वर्कड, ईडी लग जाएगा वर्कड, ठीक है। सेकेंड और थर्ड फॉर्म आपका सेम रहेगा। तो आज की वर्ब में अपन वो वर्ब जिस कंप्लीट करा है जिसमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म में आपको क्या लगाना है, सिर्फ ईडी लगाना है, क्या लगाना है, सिर्फ ईडी लगाना है। तो यहाँ पर हमने 50 वर्बों को कंप्लीट करा है, इसके आगे की वर्ब अपन अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।